हे गाइस, वेलकम टू विजन एमबीए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीमैट का पेपर पैटर्न। हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए देखते हैं। सीमैट के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से क्वांट से 25 क्वेश्चंस, लॉजिक से 25 क्वेश्चंस, वर्बल से 25 एंड जीके से 25। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होता है, सो टोटल 400 मार्क का पेपर हो गया। पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता है और कोई भी सेक्शनल लिमिट नहीं है। हम कितना भी टाइम यूटिलाइज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एवरेज देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1.8 मिनट का टाइम है। और हर साल ऐसा होता है, बच्चे टाइम से पहले पूरा पेपर सॉल्व करके बैठे रहते हैं। तो इस हिसाब से सीमैट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे टाइम की कोई कमी नहीं होती है। हमारे पास बहुत टाइम होता है हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने का और उसको सॉल्व करने का। अब हम देख लेते हैं सेक्शन वाइज टॉपिक्स का बाइफर्केशन। क्वांट एंड डीआई में देखा जाए तो डीआई के क्वेश्चंस टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ इनसे आते हैं, और क्वांट प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन, ग्राफ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेजेस, एवरेजेस, ज्योमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, इक्वेशंस, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, पार्टनरशिप, अलजेब्रा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पाइप्स एंड सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स क्वांट में आते हैं। लास्ट ईयर क्वांट में अरिथमेटिक से 10 क्वेश्चंस थे, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, मॉडर्न मैथ से 5 क्वेश्चन, नंबर से 4 क्वेश्चन और डीआई में 4 क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। एलआर में डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, सिंबल्स, एनालॉजी टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, नॉन वर्बल रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, सीक्वेंसिंग, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, इन्फ्रेंसेस, स्टेटमेंट अजम्पशन, नंबर सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर एलआर में कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से 4, सीरीज से 2 क्वेश्चन, लॉजिक बेस से 3 क्वेश्चन, सिंबल से 1, वेन डायग्राम का 1 क्वेश्चन था, नंबर ग्रिड का 1 क्वेश्चन, डायरेक्शंस के 1 क्वेश्चन, मिसलिनियस 1 क्वेश्चन था, विजुअल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन थे। और वर्बल रीजनिंग की बात की जाए तो उसमें से स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट के 2 क्वेश्चन थे, एनालॉजी के 2 क्वेश्चन, ऑड एंड आउट के 1 क्वेश्चन और सिरोलिज्म से 2 क्वेश्चन थे। वर्बल सेक्शन की बात की जाए तो उसमें पूछे जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इंग्लिश यूजेस एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराग्राफ कंप्लीशन, इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, इडियम फ्रेजेस, पैराजम्बल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लास्ट ईयर का वर्बल सेक्शन देखें तो उसमें आरसी के 6 क्वेश्चन थे, सिनोनिम एंटोनिम के 1 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक जो वोकैब से रिलेटेड है उसके 2 क्वेश्चन थे, और फिल इन द ब्लैंक जो कि ग्रामर का है वो 1 क्वेश्चन, इडियम फ्रेजेस के 2 क्वेश्चन, वर्ड डेफिनेशन के 3, पैराजम्बल्स के 2 क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ फ्रेजेस के 1 क्वेश्चन और सिनोनिम एंटोनिम जो अंडरलाइन वर्ड वाले होते हैं उसके 5 क्वेश्चन थे, स्पेलिंग के 1 क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन का 1 क्वेश्चन था। जीके सेक्शन में देखा जाए तो जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो वो हैं लिटरेचर, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स न्यूज, साइंस इन एवरीडे लाइफ, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, पर्सनैलिटीज इन न्यूज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट ईयर के पेपर का जीके सेक्शन देखें तो उसमें 25 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से थे, 1 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से था, 11 क्वेश्चन इंडियन इवेंट्स पे बेस्ड थे और 9 क्वेश्चन इंटरनेशनल इवेंट्स पे थे, बाकी के 5 क्वेश्चन मिसलिनियस थे। ओवरऑल देखा जाए तो सीमैट का पेपर काफी डुएबल होता है, जो कि 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू ऑल गेट गुड स्कोर दिस ईयर। ऑल द बेस्ट।